अभी वीडियो में काले रंग की पोशाक में जो एक महिला बाउंसर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करती दिख रही है। यह और कोई नहीं बल्कि उज्जैन में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा में सीहोर से आई निजी कंपनी की बाउंसर है। इस घटनाक्रम के बाद महिला पुलिसकर्मी ने द्वार महाकाल थाने में महिला बाउंसर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का आयोजन हाल ही में खत्म हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा में शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सीहोर से बाउंसर की एक कंपनी आई थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। दो दिन पूर्व एक महिला बाउंसर और दो महिला पुलिसकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आपस में एक दूसरे पर झूमती हुई दिखाई दे रही है। कथा समाप्ति पर महिला आरक्षक द्वारा महिला बाउंसर के खिलाफ महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। CSP सचिन परते ने बताया कि मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने FIR दर्ज करवाई है। फुटेज के आधार पर बाउंसर की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप मिश्रा जी के कथा स्थल पर एक महिला बाउंसर द्वारा पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली है कि वो वीडियो की सत्यता की जांच की गई। उसके आधार पर अब महिला आरक्षक के द्वारा उसमें कार्रवाई की मतलब कायमी की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी बुजुर्ग कथा स्थल के मुख्य द्वार के पास दूसरे रास्ते से निकलने का प्रयास कर रहा था। यह देखकर एक पुलिसकर्मी उसके पीछे कुर्सी लेकर दौड़ता है। यही नहीं, कथा में जगह को लेकर महिलाओं का आपस में मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें महिलाओं के साथ साथ उनके साथ आए पुरुष भक्त भी विवाद करते नजर आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।